कि देश के प्रधानमंत्री पिछला दिन जमशेदपुर आया था, उसमें क्या कहा था कि हेमंत सोरेन क्या चंपा सोरेन आदिवासी नहीं है जो आपने उसको बेइज्जती करके सरकार से निकाल दिया? क्या बाबूलाल मरांडी इस राज्य का आदिवासी नहीं है? क्या देश का प्रधानमंत्री उसको याद नहीं है? तो इन लोग का दोहरा चरित्र उजागर हो गया है। अब खरसुआ से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार का चयन करना पड़ रहा है। ये भाई, यहाँ के जनता चार चार बार अर्जुन मुंडा जी को विधायक के रूप में चुना, चारों बार मंत्री बना, एक बार कल्याण मंत्री के रूप में, तीन तीन बार मुख्यमंत्री के रूप में, फिर खूंटी से लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया और देश का केंद्रीय मंत्री बना। 2014 में मैं अर्जुन मुंडा जी के साथ में चुनाव लड़ा, आप लोगों ने उनके विरुद्ध और मेरे पक्ष में मतदान किया। मैं 10 वर्ष तक अगर आपका सेवा किया हूँ तो इसी 2024 का विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से अर्जुन मुंडा को उम्मीदवार बनाए। खरसुआ का जनता तय करेगी, खरसुआ का जनता जो तय करेगा मैं उसको दिल से स्वीकारूंगा। शायद मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हैं, 50 लाख रुपया तक की जमीन को रघुवर दास जी ने मात्र 1 रुपया में रजिस्ट्री करने का नियम बनाया था। 1 रुपया में अगर हम दुकान में चॉकलेट खरीदने जाते हैं तो हमको चॉकलेट खरीदने में दे देता था, पर दुकान में अगर 1 रुपया हम पैसा देते हैं तो दुकान वाला लेने से मना करता था। बाहर रघुवर दास कैसे नियम आपने बनाया जो हमारे झारखंड के गरीब माता बहनों से नियम का लाभ नहीं ले पाया? तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने बाहरी लोगों को झारखंड में बसाने के लिए प्रयास कर रही है। बार बार कहता है प्रधानमंत्री, बार बार कहता है इसे देश के गृह मंत्री कि यहाँ बाप और बेटा का सरकार चल रही है, परिवारवाद की सरकार चल रही है। बाहर भारतीय जनता पार्टी, आपने अगर उतना ही देश में अनुशासित पार्टी समझते हैं, पूरे विश्व में भारतीय जनता पार्टी 1 नंबर का पार्टी मानते हैं, तो लोकसभा में कोल्हान से आपने गीता को लिया, संथाल परगना से आपने सीता को लिया, यहाँ का जनता गीता और सीता को रास्ता दिखा करके अपने अपने लोकसभा से उन लोग बाहर करने का काम किया। तो आज राज्य के ऊर्जावान युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गांव के सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए ग्राम प्रधानों का, मुंडा मानकियों का मानदेय में वृद्धि करते हुए आपको शक्ति प्रदान, सशक्त गांव को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने आपको आगे सशक्त करते हुए आपके हित में गांव मजबूत हो, इस दिशा में राज्य के युवा मुख्यमंत्री ने निर्णय लेते हुए आपको सम्मान देने का काम किया। तो उसी प्रकार से महिलाओं को, चूंकि ये महिला सम्मान यात्रा का कार्यक्रम चल रही है, तो इस प्रकार से इस प्रदेश में राज्य के ऊर्जावान युवा मुख्यमंत्री जो योजना चलाई है, ये 24 वर्ष में पहला मुख्यमंत्री हमारे हेमंत सोरेन हैं जो आप सभी महिलाओं के लिए विभिन्न स्तर पर लगभग 6 से 7 ऐसे योजनाओं को स्वीकृति देते हुए आपके हित के लिए, आपको लाभ पहुंचाने के लिए चला रही है। क्योंकि ग्रामीण विकास भारत सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त तत्वाधान में आप सभी महिलाओं को सुदृढ़ करने के लिए, महिला सशक्तिकरण को आगे बेहतर करने के लिए JSLPS के माध्यम से गांव में आप महिला संगठन बनाए हैं और आपकी महिला संगठन के द्वारा गांव में केवल महिला को ही सशक्त करना का नहीं है, गांव के वातावरण को भी व्यकुल बनाने के लिए आप JSLPS के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ा रहे हैं। उसी दिशा में आज राज्य सरकार ने भी जो पूर्ववर्ती सरकार पूर्व की ओर से जो चलते आ रही थी, ऐसे योजनाओं को भी हमारे ऊर्जावान मुख्यमंत्री ने आपको उम्र सीमा को छूट देते हुए आपको लाभ पहुंचाने का काम की है। जो हम लोग वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन जो कहते थे, ऐसे सारे जो पूर्व में पेंशन आप सबों को मिलती थी, वैसे पेंशनों को आपके हित में राज्य सरकार ने सरल करते हुए उम्र सीमा में छूट दे करके आपको लाभ पहुंचाने का काम कर रही है।
उसी दिशा में हमारे बेटी लोगों को जो सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ मिलती थी, पहले केवल 2 बच्ची को मिलती थी, उसको सरल करते हुए राज्य के युवा मुख्यमंत्री ने अब एक परिवार में अगर आप 5 बच्ची है तो 5 बच्चियों को 8 क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक पढ़ने के लिए सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना से जोड़ करके आपको लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। उसी प्रकार से पहले अगर हम महिलाएं विधवा हो जाती थी तो हमको 40 वर्ष तक उम्र इंतजार करना पड़ता था, यह भी हेमंत सोरेन ने सरल किया। अब 18 वर्ष की उम्र में अगर कोई हमारा बेटी बहन विधवा हो जाती है तो ऐसे स्थिति में हमारे बेटी बहन को 18 वर्ष की उम्र से ही अभी विधवा पेंशन का लाभ मिलेगी और हमको 40 वर्ष इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उसी प्रकार से एक नया नियम विधवा महिलाओं के लिए लाया है, जो हमारे बेटी बहन असमय विधवा हो जाती है, शादी होने के बाद में किसी प्रकार का अगर फल फूल बाल बच्चा नहीं हुए रहते हैं, ऐसे स्थिति में अगर हमारा बेटी बहन विधवा हो जाती है उसको फिर से सामाजिक रूप से अगर हम उसको पुनर्विवाह कराते हैं तो इसे विधवा महिला को सरकार के तरफ से 2,00,000 रुपया का प्रोत्साहन राशि देने का यह सरकार नियम बनाई है। उसी प्रकार से कोई भी महिला आज गांव में बेरोजगारी के कारण या किसी भी प्रकार का लाभ से वंचित रहने के कारण वो घर की छोटी मोटी काम को आगे नहीं बढ़ा पा रही है, ऐसे स्थिति में शायद 21 साल से 49 का महिलाओं को भी जोड़ करके लाभ देनी चाहिए। उस दिशा में राज्य के मुख्यमंत्री ने, इस राज्य के युवा सम्राट हेमंत सोरेन जी ने पहला 21 साल से लेकर के 49 साल मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का नाम दे करके आपको लाभ पहुंचाने का काम किया है। उसमें फिर से राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विचार किया कि 21 साल से 49 साल के महिलाओं को तो मैं पेंशन दे रहा हूं, बाकी जो 3 कैटेगरी में 18 साल 19 साल और 20 साल की महिलाएं जो छूट रही है, ऐसे बेटी बहन भी ना छूटे। इस दिशा में फिर से कैबिनेट में निर्णय लेते हुए अब 18 साल से 49 वर्ष के महिलाओं को आपको मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से सीधे लाभ पहुंचाने का काम ये सरकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या कह रहा है कि भाई ये मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जो हेमंत सोरेन ने शुरू किया है ये चुनाव को देखते हुए किया है, इसलिए ये योजना को बंद की जानी चाहिए। इस योजना को बंद कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने झारखंड हाई कोर्ट में PIL दर्ज किया है। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र दोहरा है। मैं पूछना चाहता हूं इस राज्य के भारतीय जनता पार्टी के लोगों से और देश के प्रधानमंत्री से, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री पिछला दिन जमशेदपुर आया था, उसमें क्या कहा था कि हेमंत सोरेन क्या चंपा सोरेन आदिवासी नहीं है जो आपने उसको बेइज्जती करके सरकार से निकाल दिया। मैं देश के प्रधानमंत्री को पूछना चाहता हूं, ये राज 2000 में अलग हुआ, इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी से बाबूलाल मरांडी प्रथम मुख्यमंत्री बने, उन्होंने इस राज्य का 2 साल 4 महीना कुशल नेतृत्व दिया। उनके कार्यकाल में झारखंड राज्य में 1932 ईस्वी का खाद्यान्न, OBC वर्ग को 27% का आरक्षण, यहाँ के नौजवान बेरोजगार युवक युवतियों को 100% नौकरी मिले, उसके लिए नियोजन नीति, इस प्रकार से अनेकों नीति निर्धारण करने के लिए बाबूलाल मरांडी ने बिल लाया था। उस समय उन लोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनको सहयोग करने के बजाय सत्ता से बाहर किया। क्या बाबूलाल मरांडी इस राज्य का आदिवासी नहीं है? क्या देश का प्रधानमंत्री उसको याद नहीं है? तो इन लोग का दोहरा चरित्र उजागर हो गया है। इसलिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जो लाभ राज्य के ऊर्जावान युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुरू किया है, इससे भारतीय जनता पार्टी घबरा गया है। 2014 से 2019 तक भारतीय जनता पार्टी ने भी सरकार चलाया और रघुवर दास ने पूरा 5 साल तक सरकार चलाया। क्या उस समय उन लोगों को नहीं दिखा महिला लोगों को सम्मान देने की दिशा में नियम बनाने का? उनके कार्यकाल में क्या नियम बनाया? जो वर्षों वर्षों से कोल्हान क्षेत्र में अंग्रेजों के समय में विल्किंसन रूल बनी है, मुंडा मानकियों को शासन व्यवस्था है, उस मुंडा मानकी का शासन व्यवस्था परंपरा को तोड़ने का काम किया। जो गांव के मुंडा लोग कागज में गांव का जमीन का मालगुजारी काटता था ऑफलाइन, उसको भी यह सरकार बंद करने का काम किया था। जो हमारा यहां अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया CNT और SPT एक्ट को संशोधन करने का कोशिश किया गया। फिर महिलाओं के लिए क्या नियम बनाया? महिलाओं के लिए नियम बनाया 50,00,000 रुपया तक की जमीन महिला लोगों के नाम से
एक रुपया में रजिस्ट्री करने का नियम बनाया। आप सभी जितने भी महिला बैठी है सामने, मेरा माता बहन बेटी लोग, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, समझ करके थोड़ा सा हाथ उठाने का कोशिश करेंगे। रघुवर दास जी ने जो 50 लाख रुपया तक की जमीन महिला लोगों के नाम से एक रुपया में रजिस्ट्री करने का नियम बनाया था, हम लोग कितने महिला जो सामने बैठे हैं 50 लाख रुपया तक की जमीन को हम लोग एक रुपया में खरीदे हैं, थोड़ा सा हम लोग हाथ उठाएंगे? शायद मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हैं। 50 लाख रुपया तक की जमीन को रघुवर दास जी ने मात्र एक रुपया में रजिस्ट्री करने का नियम बनाया था। एक रुपया में अगर हम दुकान में चॉकलेट खरीदने जाते हैं तो हमको चॉकलेट खरीदने में दे देता था, पर दुकान में अगर एक रुपया हम पैसा देते हैं तो दुकान वाला लेने से मना करता था। बाहरे रघुवर दास कैसे नियम आपने बनाया जो हमारे झारखंड के गरीब माता बहन उस नियम का लाभ नहीं ले पाया? तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने बाहरी लोगों को झारखंड में बसाने के लिए प्रयास कर रही है। बार बार कहता है प्रधानमंत्री, बार बार कहता है इसे देश के गृह मंत्री कि यहाँ बाप और बेटा का सरकार चल रही है, परिवारवाद की सरकार चल रही है। बाहर भारतीय जनता पार्टी, आपने अगर उतना ही देश में अनुशासित पार्टी समझते हैं, पूरे विश्व में भारतीय जनता पार्टी एक नंबर का पार्टी मानते हैं, तो लोकसभा में कोल्हान से आपने गीता को लिया, संथाल परगना से आपने सीता को लिया, यहाँ का जनता गीता और सीता को रास्ता दिखा करके अपने अपने लोकसभा से लोग बाहर करने का काम किया। अब घुसपैठी का बात करता है कि कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में घुसपैठी किया है। क्या 2019 से घुसपैठी हुआ है? ये प्रदेश 2000 में अलग हुआ है तो केवल यहां बांग्लादेशी का ही क्यों याद आ रहा है? झारखंड में जितने भी ऐसे लोग हैं जो 1932 ईस्वी का विरोधी हैं, ऐसे लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए कभी आपने हिंदू मुस्लिम के लिए राजनीति करते हो, कभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए बात करते हो, अब उसमें अगर जनता आपको सहयोग नहीं किया तो आपने सहारा लिया है बांग्लादेश का। तो बांग्लादेशी अगर यहां पर घुसपैठी किया है तो बंगाल के बॉर्डर में, मध्य प्रदेश के बॉर्डर में, छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में, ओडिशा के बॉर्डर में क्या झारखंड का सिपाही ड्यूटी करता है? देश का सुरक्षा आपके हाथ में है। अगर बाहर से लोग प्रवेश कर रहे हैं वो भी झारखंड में, तो सीधे झारखंड में प्रवेश करने का रास्ता कहीं नहीं है, हमारा रास्ता अन्य प्रदेश से घिरा हुआ है। इसलिए मैं आप लोगों से इतना ही विनती करना चाहूंगा, ये मीटिंग आज 4:50 में होनी थी और अभी 8 बज रही है, आप लोगों ने इतने धैर्य के साथ, इतने संयम के साथ मैया सम्मान यात्रा का कार्यक्रम में अभी तक डटे हुए हैं, और जो भी हमारे विभागीय मंत्री और हमारे राज्य के ऊर्जावान मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन आए हुए हैं, और भी हमारे सांसद मंत्री लोग हैं, उन लोग का भी आशीर्वचन हम लोग सुनेंगे। पर मैं एक बात निश्चित रूप से आपको कहना चाहूंगा, मैं 2014 को विधायक बना, आपके सहयोग से 365 दिन में मैं 350 दिन आपके सेवा के लिए दिन रात आपके क्षेत्र में खरसवां विधानसभा क्षेत्र में लगे रहता हूं। अब खरसवां से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार का चयन करना पड़ रहा है। भाई यहां के जनता 4-4 बार अर्जुन मुंडा जी को विधायक के रूप में चुना, 4 बार मंत्री बना, 1 बार कल्याण मंत्री के रूप में, 3-3 बार मुख्यमंत्री के रूप में, फिर खूंटी से लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया और देश का केंद्रीय मंत्री बना। 2014 में मैं अर्जुन मुंडा जी के साथ में चुनाव लड़ा, आप लोगों ने उनके विरुद्ध और मेरे पक्ष में मतदान किया। मैं 10 वर्ष तक अगर आपका सेवा किया हूं तो इसी 2024 का विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से अर्जुन मुंडा को उम्मीदवार बनाए, खरसवां का जनता तय करेगी, खरसवां का जनता जो तय करेगा मैं उसको दिल से स्वीकारूंगा। इन्हीं आशा और उम्मीद के साथ अपना वाणी को विराम करता हूं, पुनः आप लोगों को मेरी जोहार।